हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल स्टूडेंट इज फाइन। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द टेस्ट ऑफ चैप्टर 6 क्लास 10th साइबर एथिक्स। इससे पहले की 3 वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाके क्लास 10th को सेलेक्ट करके वहाँ से उसे देख सकते हो। ओके, इट इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, सो लिसन टू केयरफुली। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। लेट अस स्टार्ट। अ फर्स्ट टॉपिक इज पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर वी एस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। दिस वी विल डिस्कस अबाउट इट। Public domain software is a place in the public domain. There is no restrictions on them. It uses is free. In other words, they have no ownership such as copyright, trademark or patent. Software is the public domain, can be modified, distributed or sold even without any restrictions by anyone. This is unlike the common case of software under exclusive copyright, where a software license grant limited uses. Right. Simply, we can say that in case of public domain software, it is freely accessible. ओके, हम इसे फ्री यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इसे हम शेयर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके कोड को। सोल्ड माने इसे बेच भी कर सकते हैं विदाउट द एनी रेस्ट्रिक्शन बाई एनी वन। ओके, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऑल्सो नोन एज क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज नोन सॉफ्टवेयर इज अ नॉन फ्री computer software for which the software publishes or another person retain intellectual property right, usually copyright of the source code but sometime patent rights. That is that means we can say that it is not free, available on the net. User can't use as a free software. User is a free software ke through use nahi kar sakta hai. Jaise ki free hai to aap ise download kar lo, modify kar lo. तो इसके लिए ये क्या फॉलो करता है? IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट करता है, जिसमें कि कॉपीराइट होता है सोर्स कोड को, कहीं उसे किसी कॉपी करना है, किसी ये सेंड करना है, और पेटेंट कोई भी ये राइट होता है। ओके, तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्री होते हैं, और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि नॉन फ्री होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फ्री डंप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल डिवाइड। ठीक है, डिजिटल डिवाइस का एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, पूछा भी जाता है व्हाट इज़ द डिजिटल डिवाइड, एक्सप्लेन द डिजिटल डिवाइस। ओनली सिंपल डेफिनेशन होती है इसकी। ओके, तो आपको उसको इस टॉपिक को थोड़ा सा लर्न करना होगा, याद भी करना होगा डिजिटल डिवाइड को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस पैराग्राफ केयरफुली। अ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स रिकॉग्नाइज बाई इंटरनेशनल लॉ। ओके, विच इज टूडे अंडरस्टूड मोर जनरली एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन एनी मीडियम, बी इट ओरली इन राइटिंग, प्रिंट, थ्रू द इंटरनेट और थ्रू वेरियस आर्ट फॉर्म्स। इन इंडिया इंटरनेट इज अ फ्री एंटिटी। However, the access to the information available on the internet can be restricted by the government. It need not be equally accessible to all parts of the country. Okay? A digital divide is an economy and social inequality in the access to use of or impact of information and communication technology, that is ICT. The divides within the countries such as in the United States may refer to inequalities between individuals, households, business or geographical area. Usually at different socio-economic levels or other demographic categories. Simply we can say that
What is the digital divide? Digital divide is referred to the gulf between those who have ready access to computer and the internet and those who do not. Okay, that means gulf. Gulf means क्या होता है यहाँ पर? जो ये gulf लिखा हुआ है, digital divide refer to the gulf. Gulf का मतलब होता है एक डिफरेंस और थोड़ा सा अंतर प्रोवाइड करता है, किसमें डिवाइड करता है दोनों में, किस किस के बीच में? दोज हु हैव रेडी एक्सेस टू कंप्यूटर एंड द इंटरनेट एंड दोज हु डोंट. जैसे कि जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, और जो पर्सन कंप्यूटर का इंटरनेट का यूज़ नहीं करते हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस होता है. डिजिटली डिवाइड रेफर करता है डिजिटली जो इन्फॉर्मेशन होती है. जैसे कि हम अब टुडे जनरेशन में हम बात करें तो जो स्टूडेंट सीखता है वो स्टूडेंट अब विजुअली पिक्चर्स को देख के और विजुअली प्रैक्टिकल्स के थ्रू ज़्यादा उसे नॉलेज प्रोवाइड होती है कंपेयर टू थॉरेटिकली. ओके, तो जो हम देखते हैं, जो हम उसे अपने खुद सेल्फ उसे करते हैं तो हम जल्दी सीखते हैं कंपेयर टू कोई हमें अगर कोई सुनाए, अगर हमें कोई बुक दे और बुक के थ्रू अगर हम रीड करते हैं तो कम सीखते हैं, बट उसे ऐसे प्रैक्टिकली हम वर्क करते हैं तो इजीली हम उस वर्क को सीख जाते हैं. ओके, टू मेजर रीजंस ऑफ दिस डिजिटल डिवाइस आर, फर्स्ट रीजन इज टेक्नोलॉजी रीच एंड सेकंड इज डिजिटल लिटरेसी. व्हाट इज द टेक्निकल रीच? विद द reach of the latest technologies in rural areas, the digital divide is estimated to reduce between urban and rural areas. जो भी latest technology होती हैं उन्हें rural area में होती हैं. ओके, कैसे उसे suppose करो कोई person है जो कि गाँव में है, वो अब technology है किसी और field के बारे में नहीं जान पा रहा है, ना उसे नॉलेज हो पा रही है, तो वो किसके थ्रू नॉलेज ईजिली जो न्यू टेक्नोलॉजी आती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है उनके बारे में जल्दी पता कर सकता है, तो वो कैसे किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और डिजिटल. डेटा लिटरेसी विद अ ग्रोइंग डिजिटल लिटरेसी इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर विल बी एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूजर्स एंड हैंस लेजर डिजिटल डिवाइस. ओके, एनालिसिस एट ग्लांस. एट ग्लांस इसमें जो कि आपके जो कुछ सम टॉपिक्स हैं दिस टाइप के, वन ज़्यादा डेफिनेशन नहीं है, एक एक टॉपिक की वन एंड हाफ डेफिनेशन है, इसे आप इजीली लर्न और कर लेना. ओके, जिसमें से एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज़ साइबर एथिक्स या साइबर सेफ्टी, तो आप इसे लिख सकते हो. साइबर सेफ्टी रेफर टू द सेफ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटरनेट सो एज टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन. ओके, इंक्रिप्शन is in fact way to achieve data security. Some points हैं जो कि for knowledge के लिए better है और small definition है, easy आप learn कर सकते हो. Next is this. EFT key terms हैं, इनकी full forms आपको learn कर लेना. EFT electronic fund transfer, SSL secure socket layer, and third is DRM digital right management, fourth is OSS open source software, and sixth is FOSS free and open source software, and next is FLOSS free file library open source software, GPL general public license, and LGPL laser general public license. Okay, this is a short key term. Let us solve the some MCQ. Internet is a for us we use it the right way. Agar right way mein use karte hain to internet is a boon. A second products are make or unauthorized duplicate of the real product. आंसर इज सेकेंड बी. दिस आप ये देख सकते हो आंसर अवेलेबल है, सेकेंड का भी होगा. थर्ड इज ए सेफ साइट यू आर एल सो ए स्टार मार्क क्वेश्चन मार्क क्लोज पैडलॉक, तो दैट सो द क्लोज पैडलॉक. एंड फोर्थ क्वेश्चन इज दैट व्हेन अ स्टूडेंट सबमिट हिज और हर ओन प्रीवियस वर्क और मिक्स पार्ट्स ऑफ प्रीवियस वर्क विदाउट परमिशन फ्रॉम ऑल प्रोफेसर्स इन्वॉल्व. That is plagiarism.
सेल्फ पे एल्गोरिथम, सेल्फ पे एल्गोरिथम माने वो अपना वर्क कर रहा है सेल्फली, ओके। और नेक्स्ट इज वेब रेफर टू द गल्फ बिटवीन दोज हु हैव रेडी एक्सेस टू कंप्यूटर एंड द इंटरनेट एंड दोज हु एंड दोज हु डोंट, दैट मीन्स अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया डिजिटल राइट, क्लियर है। सो रीड दिस चैप्टर केयरफुली और आई हैव डन एट वर्क ऑफ चैप्टर 6, ओके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट, इफ आई हैव एनी डाउट देन आस्क मी एनी टाइम।